हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि कैसे जो हम फ्री SSL सर्टिफिकेट को जो कैसे जो एरर 525 को कैसे जो फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आता है, जो क्लाउड फेस है, किसी ने भी मीन्स SSL फ्री सर्टिफिकेट लिया है उसको जो ये जो प्रॉब्लम आता है, तो इसको आपको जो फिक्स करने के लिए इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण, आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल टिकी किरण। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन द फर्स्ट आपको जो क्या करना है कि आपको जो सिंपली से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा ये भी वेबसाइट पर क्लाउड फेस से ही जो SSL सर्टिफिकेट लिया हूँ, तो आपके लिए कुछ इसी तरह से जो एरर आ रहा होगा। तो इधर आप जो देख सकते हो, मैंने जो ब्राउज़र सब कुछ सही से जो काम कर रहा है, बट इधर हमारा जो होस्ट नहीं काम कर रहा। मीन्स इसका मतलब क्या भी नहीं है, आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर कुछ भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आता है क्लाउड फ्लेयर से ही आता है। तो आप जो देख सकते हो, मैंने जो 3-4 बार जो रीसेट किया, बट ये जो नहीं हुआ। तो इधर आप जो देख सकते हो कि आपने जो सेटअप फुल और फुल स्ट्रिक्ट पर आपने जो इसको लॉगिन मींस इसको सेटअप किया है, तो आपको जो सेम प्रॉब्लम ही आएगा। आपको क्या करना है कि आपको जो जाना है सिंपली से फ्लेक्सिबल के जो ऑप्शन पर, उस पर आप जो थोड़ी एक बार क्लिक कर लो। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जो सिंपली से एक 5 से 10 मिनट छोड़कर या फिर 2 से 3 मिनट छोड़कर आप जो रिफ्रेश या फिर थोड़ी ट्राई कर लो, ये जो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो क्योंकि ये जो सेटअप होने के लिए थोड़ी देर लगता है, तो उसीलिए आपको जो 2 से 3 मिनट्स लग सकते हैं या फिर 5 से 10 मिनट्स मैक्स है। तो इधर आपको जो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। एंड मैंने जो सब डोमेन का भी एक वीडियो बना कर रखा है, तो आपको जो आई कार्ड पर दिखेगा। तो बाय दोस्तों, अगले नए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।